फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में नायब तहसीलदार और खागा कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश साही की अध्यक्षता में थाना दिवस शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी लेखपाल और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में थाना दिवस संपन्न हुआ। आप लोगों को बताते चले कि थाना दिवस में एक खागा कस्बे के नई बाजार के मकान विवाद को लेकर प्रार्थना पत्र आया, जिसमें काफी बहसबाजी किया तीसरे व्यक्ति ने, और वही खागा कस्बे के मानू का पूर्वा पूर्वी बाईपास जीटी रोड से स्वर्गीय हीरा लाल केसरवानी की पत्नी पार्वती केसरवानी ने प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि मैं अपनी भूमिधरी जमीन में निर्माण करा रही हूँ, जिसमें गदाई मोहल्ले के विनोद, बबलू, राजू, सोनी और इनके पिता प्रेमचंद फर्जी लेन देन को लेकर पुलिस प्रशासन को लेकर काम रोकवा दिया है, जबकि 6 फरवरी 2021 में जो लेन देन था उसे खत्म कर कोतवाली परिसर में सुलह समझौता हो गया है, और मेरे बेटे अनिल को 5 जुलाई को 151 में चलान भी कर चुके हैं, और आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें आप लोगों को कि आज के थाना दिवस में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के प्रार्थना पत्र रहे, जिनमें कुछ का तुरंत निस्तारण हुआ और शेष प्रार्थना पत्रों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। वो बने बनाएगा तो मजदूरी करो सर, जब सुबह आप कराने जा रहे हैं तो खराब होगी। इसका जो मुकदमा दिखा गया है आप बात कर रहे हैं होती है फोटोग्राफी करा ली लगी बिना।